आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन क्या है? वो अपराधी नहीं है। एक दलित डीएम का हत्या किया और सजा काट करके आया, सजा याफ्ता के पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं। जो अशोक महतो जी ने गरीबों का लड़ाई लड़ा, सुचतों का लड़ाई लड़ा, दलितों का लड़ाई लड़ा, और उस जो है क्रांतिकारी योद्धा को आप मतलब कि अपराधी कह रहे हो। अरे ललन सिंह के खिलाफ कहीं नहीं टिक पाएंगे अशोक महतो जी, समय बताएगा, हवा में उड़ जाएंगे ललन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिंबल भी बांट रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला, इस पे अब विवाद तेज हो रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि लालू यादव एक अपराधी को टिकट दे रहे हैं, पर आरजेडी से विधायक है फतेह बहादुर। देखिए, लालू यादव से मुलाकात करके निकलते हैं और सवाल सीधा अशोक महतो को लेकर पूछा जाता है कि अशोक महतो को टिकट दिया गया है। तमाम लोग आरोप लगा रहे। देखिए, अब आनंद मोहन को लेकर भी फतेह बहादुर से किस तरीके से घेर रहे, उतना ही नहीं, सम्राट चौधरी जो बयान दिए थे उस पर भी गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ करे आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर, पहले आप वो सुने। तो कह रहे हैं कुख्यात अशोक महतो हैं, उनको दे दिए। आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन क्या है? वो अपराधी नहीं है। एक दलित डीएम का हत्या किया और सजा काट करके आया, सजा याफ्ता के पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो अशोक महतो जी ने गरीबों का लड़ाई लड़ा, सुचतों का लड़ाई लड़ा, दलितों का लड़ाई लड़ा, और उस जो है क्रांतिकारी योद्धा को आप मतलब कि अपराधी कह रहे हो। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय का पुरोधा हैं और सामाजिक न्याय के लोगों को टिकट देने का काम कर रहे हैं, और सारे लोग जो है आज पूरे बिहारवासी 14 करोड़ लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी का फैन है, और ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो फैन है, बस चंद समय बाकी है, समर्थन कर करके महागठबंधन को वोट दे करके एनडीए को औकात बताने का काम। बाहुबली के दम पर जो है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाह रहे हैं आप लोग को? मैं तो बोला अब सामाजिक न्याय को पुरोधा को आप बाहुबली बोल रहे हो, और जो डीएम का हत्या करता है दलित का, उसको क्या बोलोगे भाई? उसके पत्नी को टिकट दे रहे हो? अरे ललन सिंह के खिलाफ कहीं नहीं टिक पाएंगे अशोक महतो की पत्नी, समय बताएगा, हवा में उड़ जाएंगे ललन सिंह। उनके पास कोई नेता नहीं है, इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को टिकट बांटने लगे। अरे हवा में उड़ जाएंगे ललन सिंह, हवा में उड़ जाएंगे, समझ गए? और हमारा हर कार्यकर्ता मतलब की नेता है राजद का, कह रहे हैं कि टिकट बेचने में माहिर है, किडनी लेकर बेटी को टिकट उन्होंने दिया है। अब ये जिसके गोद में बैठे हुए हैं उसका तो प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही, और ये उलुल जुलुल जो बयान दे रहे हैं, वो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है सामाजिक न्याय का पुरोधा है, और सामाजिक न्याय के तौर पर जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जी का जमीन जो है घिसक चुका है, उनके पैर के नीचे कुछ भी नहीं है, और मर्ज बंसी और कोयरी समाज का जिस जाति का वो राजनीति कर रहे हैं, वो जहाँ उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, इसलिए वो समझिए कि बिल्कुल घबराए हुए हैं। और घबराए हुए ही नहीं है, हमको लगता है कि उनका मतलब कि जो माइंड डिस्टर्ब हो गया है और जिसका मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो आप समझिए ना, बाप बेटी के रिश्ता पर कोई अगर सवाल उठाता है, एक पिता को पुत्री ने अपना किडनी दे करके जीवन दान दी, और उस पुत्री पर और पिता पर सवाल उठाते हैं, ये क्या साबित करता है कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं? आज जिसके गोद में बैठे हुए हैं वो मौर्य वंश का जो है राजा बृहदत्त का हत्या जो पुष्यमित्र सुंग ने किया, और मौर्य वंश का वो बोलते हैं कि मैं मौर्य वंशी हूँ, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, और पुष्यमित्र के सुंग में बैठे हुए, उनके गोद में बैठे हुए हैं,
तो अभी पूरे बिहार के कोयरी समाज जो है मौर्यवंशी समाज आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो है पूरी मजबूती से खड़ा है, और पूरा मौर्यवंशी समाज सम्राट चौधरी जी को इस बयान का जवाब देगा और उनको अवकात बताने का एक काम सवाल है सर। जेडीयू के लोग लगातार जेडीयू छोड़ रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जेडीयू में कुछ रहा नहीं, जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ रहे हैं या जो हैं वो भी चुनाव बाद आएंगे, क्योंकि जेडीयू में अब कुछ रहा नहीं, ना कोई जनाधार है और ना कोई आधार है। एक सवाल है, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट उन लोगों के खाते में आएगा, किसके दम पर? मोदी के दम पे। अब की बात मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं वो लोग, क्या गारंटी है मोदी का बताने का काम करेंगे बीजेपी वाले? मोदी ने गारंटी दिए थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दूंगा। क्या उसने दिया गारंटी पूरा किया? मैं सत्ता में आऊंगा तो विदेश से काला धन लाऊंगा, एक एक गरीब के खाते में 15-15 लाख पड़ेगा। क्या उन्होंने गारंटी पूरा किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं किसानों का आय दोबरी करूंगा, क्या आय दोबरी किया? मोदी ने गारंटी दिया था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया? बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, चलाया? उसने कहा था कि मैं ट्रेन में चाय बेचा हूँ, प्लेटफार्म पर चाय बेचा हूँ, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और सारे देश को बेच दिया। किसी भी कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को बराबर से लगाइए, कोई भी नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है? देखा है? और रेलवे बेचते हुए? तो क्या गारंटी है मोदी का? मोदी जी का गारंटी है कि अबरी हमको ला दो और पूरे देश को बेचकर, और मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो अभी आप फतेह बहादुर को सुन रहे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे हो। उतना ही नहीं, जो अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला है आरजेडी से, इसको लेकर जेडीयू हो या फिर बीजेपी के लोग हो, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं। आनंद मोहन कौन है? आनंद मोहन भी अपराधी है, उनकी भी पत्नी को टिकट मिला। देखिए फतेह बहादुर से किस तरीके से बरस रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी का वो बयान याद कीजिए जो लालू यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर दिए थे। उसके बाद सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के कई नेता खड़े हो गए, पर आरजेडी के लोगों ने भी सम्राट चौधरी को खूब सुनाया है। अब फतेह बहादुर से क्या कुछ करे थे, तमाम मुद्दे को लेकर हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।